हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडु हब। वी डोंट टीच, वी इंस्पायर। इसी चीज को लेते हुए हम लोग रिपीटर प्लस सी वीडियो री एग्जाम के लिए अपने प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट आपका बीच में गैप हुआ जिसका कारण था इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस स्थान में हम लोग रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो थोड़ी बाधा पहुँचा रही थी, जिसके कारण सिस्टम जो है वो हम लोगों का चार्ज नहीं हो पाया था, जिस कारण हम आपको कल वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। पुनः हम लोग उसी कड़ी में एक नए प्रैक्टिस सेट को ऐड करते हैं। 5 प्रैक्टिस सेट के जीके जीएस और हिंदी मैंने आपको करा दी थी। आज प्रैक्टिस नंबर 6 है। मैं बता चुका हूं आपको, ये घटना चक्र का आपका प्रैक्टिस सेट है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस नंबर 6 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास महज देखा जाए तो सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं, तो इन 8 दिनों में सिर्फ आप रिविजन ही करिएगा, बाकी नया कुछ पढ़ने कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट हम आपको इसलिए सॉल्व करा रहे हैं जिससे आपका साथ साथ जो आप पढ़ रहे हो आप चेक कर सकते हो कि आप सही पढ़ रहे हो या नहीं। इसके लिए एक हम लोग हिंदी का मैराथन लेने की कोशिश करेंगे। 2-2.5 घंटे में पूरी हिंदी के वे प्रश्न जो आपको सीधे सीधे हूबहू कक्षा में मिलेंगे आपको, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग पहले प्रश्न को लेते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए, वो अर्थों में ही किया जाए, वह दूसरों के शब्दों में किया जाए, या बहुत से शब्दों में किया जाए। तो संक्षेपण करते समय हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए, तभी वो संक्षेपण कहलाता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, सारांश कहते हैं। अगला है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सा द तासी किसके विद्वान थे? अंग्रेजी के विद्वान थे, फ्रांसीसी के विद्वान थे, स्पेनिश के थे या जर्मन के? तो गार्सा द तासी जो है फ्रेंड, ये आपके एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे या विद्वान थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ध्यान रखना, केवल बहुवचन में। लड़का, घोड़ा, दर्शन या नारी? तो जो दर्शन शब्द है फ्रेंड, ये हमेशा आपका बहुवचन में रहता है। ऐसे कुछ शब्द और भी होते हैं, जैसे हमने आपको बता रखा है हस्ताक्षर आपका हो गया, हस्ताक्षर है आपका, आंसू है आपका, आंसू है, और साधु है। ये ऐसे शब्द हैं फ्रेंड जो आपके सदैव बहुवचन में ही रहते हैं, चाहे हस्ताक्षर किए जाए या दर्शन किए जाए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो दांतों पर जब जीभ लगा दोगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, दंत कहा जाएगा। जैसे था तरबूज, था थर्मस, दा दवाई, धा धनुष और ना नल, ये सभी आपके कैसे व्यंजन हैं? ये सभी आपके दंत स्पर्शी व्यंजन हैं। आगे बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी शुद्ध नहीं है? ज्योतिषणा, अहल्या, मिष्ठान या अंतर्धान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका मिष्ठान, जो है ये गलत लिखा है, बाकी सभी आपके तीनों शब्द सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी अशुद्ध है? फिर से गलत वाला पूछा है, कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ या राहुल संस्कृत्यान? तो ये फ्रेंड राहुल संस्कृत्यानन है, जो क्या होता है, राहुल संस्कृत्यानन होता है, संस्कृत्यानन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन डी जो है वो गलत है। सुक्त का सही संधि विच्छेद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सुक्त का सही संधि विच्छेद क्या है? शुधन उक्ति, सुधन उक्ति, शुधन सुक्त धन ई या शुधन ती? तो ये दोनों तो आप पहले से ही गलत करो। अब कंफ्यूजन आती है कि छोटो होगा या बड़ो होगा, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर जब ऐसे शब्द होते हैं तो उनमें छोटो ऊ की ही मात्रा होती है, यानी शुधन उक्ति। अगला है, अभिधन उदय की संधि विच्छेद क्या है? अभोदय, अभोदय, अभ्युदय या अभ्युदय? इसका जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड आपका अभ्युदय। और ध्यान रखिएगा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभ्युदय नाम से ही यूपी में एक योजना चलती है फ्री कोचिंग वाली, इसमें आप लोगों ने सुना होगा अभ्युदय योजना। देशभक्ति में कौन सा समास है, द्वंद समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है या अभिभाव है? तो देशभक्ति के हम लोग क्या कहते हैं, देश के लिए, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए भक्ति यानी कारक आ गया, तो कारक में कौन सा होता है आपका, तत्पुरुष समास आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, जय और पराजय कौन सा है, जय और पराजय में कौन सा समास है, अभिभाव, बहुव्रीय, द्वंद या द्विगु? जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक, और कभी कभी विलोम भी होते हैं, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे समास को हम लोग द्वंद समास कहते हैं। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संन्यास शब्द का में से कौन सा उपसर्ग है, सम, सम,
शनि या याश। तो इसमें जो संन्यास है वो कौन सा है फ्रेंड, समधन न्यास इज इक्वल टू संन्यास, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिन किस भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का है, हिंदी भाषा का है, उर्दू का है या अंग्रेजी का। तो बिन जो है ये संस्कृत भाषा का, सॉरी हिंदी भाषा का आपका एक उपसर्ग है। जैसे बिन से कोई भी शब्द आप बना सकते हो, जैसे बिन बुलाए बराती, इस तरीके से। अगला है आहट, आवट, आस आदि। किस प्रकार के तद्वित प्रत्यय हैं, कृतवाच्य हैं, कृतवाच्य हैं, कर्मवाच्य हैं, भाववाच्य हैं या फिर आपका संबंधवाच्य है। तो जब आहट आवट शब्द लग जाते हैं तो वो हो जाते हैं आपके भाववाचक। जैसे घबराहट, क्या हम लोग कहते हैं, हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो घबराहट क्या है, एक भाव है आपका। अगला है आग शब्द का तत्सम क्या है, तो आग शब्द का तत्सम है फ्रेंड आपका अग्नि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड, निम्न से कौन आपका एक हिंदी शब्द है, खेत, त्रिकुटी, नाथ या प्रभु। तो खेत जो है ये आपका एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, जिसका तत्सम होता है आपका फ्रेंड क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, तांबा का तत्सम रूप क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो तांबा का जो तत्सम रूप होता है फ्रेंड ये होता है आपका ताम्र, ध्यान रखिएगा। ताम्र पात्र आपने सुना होगा या ताम्रकालीन, ताम्रकालीन आपने इतिहास भी पढ़ा होगा इतिहास के चैप्टर में। अगला है प्रिय का तत्भव क्या है, पिया, प्रेम, प्रिया या प्यार। तो प्रिय का जो होता है फ्रेंड ये होता है आपका पिया, ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट शब्द है। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। यानी जयचंदों की कमी नहीं है, यानी पूरी एक जात की बताई जा रही है, जयचंद बोला जाए या आपसे बोला जाए विभीषण, दोनों लगभग एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं। तो ये कौन हो जाएगा यहाँ पे, जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे जयचंद जो है वो ऐसे लोगों को दिखा रहा है जो धोखा देते हैं, क्या करते हैं, जो धोखा देते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भाववाचक संज्ञा है, पराया, अपना, जागरण या सभ्य। तो भाव जिसमें आ रहा है, तो किसमें आ रहा है, जागरण करना यानी जगना, जगना क्या है, एक आपका भाव है। कोई आ रहा है में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई जो है वो फ्रेंड आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें पता ही नहीं कि कौन है। अगर यही पता होता है, पता होता है तो निश्चयवाचक, जब अपने आप की बात की जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, निजवाचक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन आ गया हमारा, प्रखर शब्द है, प्रखर मतलब क्या होता है, पहले ध्यान, प्रखर मतलब होता है तेज, तीव्र, तीक्ष्ण, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब क्या हो जाएंगे इसके पर्यायवाची। तो प्रखर शब्द क्या है, क्या संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो प्रखर शब्द क्या है, विशेषण, यानी मोहन का जो तीर है बहुत प्रखर है, ठीक है, तो तीर की संज्ञा बता रहा, तीर की विशेषता बता रहा है प्रखर, प्रखर हो जाएगा आपका विशेषण शब्द। अगला क्वेश्चन है वह खेल रहा है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, ऑप्शन है आपके कृदंत, अकर्मक, सकर्मक या फिर संयुक्त क्रिया। तो वह खेल रहा है तो इसमें कौन सी प्रकार की क्रिया है, अकर्मक, यानी किसी प्रकार के, देखो तो कर्म का जब ज्ञात नहीं होता है तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है, वह हमेशा अपने या गीत, जो हमेशा शब्द है वो आपका अव्यय है। अव्यय क्या होता है, ऐसे शब्द जो अविकारी होते हैं, अविकारी मतलब जिन पे लिंग, काल, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमेशा जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा आपका हो जाएगा अव्यय शब्द या अविकारी। नेक्स्ट है 24, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, उनके या बिना, तुम या कुछ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिना। जो बिना शब्द है देखिए, उनके और तुम को आपस में जोड़ रहा है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है, अच्छी, नयन, द्रग या द्रगंबू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी द्रगंबू जो शब्द है वो आंख का पर्यायवाची नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये द्रगंबू जो है वो हो जाएगा आपका कमल से संबंधित। नेक्स्ट है देवता का पर्यायवाची शब्द है,
तो विबुध जो होता है इसे हम लोग कहते हैं देवता का पर्यायवाची। जीवन पति जो है ये पति का ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर का विलोम शब्द क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अवर का विलोम शब्द होता है फ्रेंड आपका प्रवर। लघु का हो जाएगा दीर्घ या फिर गुरु, जो आप करना चाहें गुरु या दीर्घ, ठीक है। कनिष्ठ क्या क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। नेक्स्ट है भय का विलोम क्या होगा, भय का क्या हो जाएगा निर्भय। भय किसी के अंदर भय होना, निर्भय मतलब किसी प्रकार का भय ना होना। अगला है निरंतर, निरंतर निरंतर करने से क्या मावी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरिए। निरंतर हंगामा करने से, कार्य करने से, चित्कार करने से या प्रयास करने से, तो निरंतर प्रयास करने से आपको कामयाबी जरूर हासिल होती है। यानी ये अर्थ से संबंधित आपकी एक फिलअप थी जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, बस आप अर्थ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया आश्वस्त किया, संतुष्ट किया, निरस्त किया या विश्वस्त किया। तो जब भी आप किसी को समझाते हो, जब भी आप किसी को समझाते हो तो आप वर्ड यूज करते हो आश्वासन, कि हम उसको आश्वासन दे के आए हैं। यानी जब उतार चढ़ाव था तो आश्वस्त किया गया। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको हम लोग कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं, दावानल। ध्यान रखना वनाग्नि नहीं बोला था। जठर अग्नि क्या होती है, जो अग्नि पेट में लगती है। बड़वानल क्या होता है, जो आपके समुद्र में लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं आपका बड़वा नल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 33, हमारे पेज पे आ चुका है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा है आपका कागजी घोड़े दौड़ाना। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या जात पड़ताल करना, तो कागजी दौड़ा हटाने का अर्थ हो जाएगा आपका व्यर्थ की पढ़ा लिखी करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। बहती गंगा में हाथ धोना, ये तो किसको नहीं पता होगा। तो क्या होता है, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना। अगला हमारा है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, लोकोक्त का सही अर्थ क्या है। यानी जब आपने अगर बबूल का पेड़ बोया है जिसमें कांटे होते हैं तो आपको मीठे आम का मजा कहां से मिलेगा। तो उसका कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो यही चीज हो गई कि भैया जैसा आप चीज करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही तो उस गड्ढे में गिरोगे। अगला है सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य क्या है। अच्छा अभी ये आपका संयुक्त वाक्य है, इसको हमें सरल वाक्य में बनाना है। सूरज लिखा है, सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना। अगला है हमारा सूरज ने पढ़ाई की तब अधिकारी बना। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना या सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना, तो सूरज है पढ़ लिख कर अधिकारी बना, मीन्स पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सरल वाक्य है। हाय मुझे क्या हो गया, वाक्य का प्रकार पहचानिए। संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक या विस्मयवाचक। जब हम लोगों ने इंग्लिश में अगर यही शब्द लिखा होता अलास, तो हम लोग बहुत जल्दी कह देते कि सर ये जो है ये इंटरजेक्शन है। कैसे हम लोग जान जाते हैं, जब कोई आपकी अचानक फीलिंग निकलती है, जैसे आप मैच जीत जाते हो तो कहते हो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज देखते हो तो कहते हो वाओ कितना सुंदर है, सरप्राइज हो गया आपका, ठीक। तो अचानक निकलने वाले जो शब्द होते हैं जैसे हाय हो गया, वाह हो गया, ये शब्द होते हैं विस्मयादि बोधक, यानी जो आपको सरप्राइज कर देते हैं। अगला है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य में त्रुटि क्या है, अपने अपनी किताबें की जगह क्या होना चाहिए, अपनी अपनी किताबें। क्या होना चाहिए फ्रेंड आपके यहाँ पे, अपनी अपनी किताबें जो है वो बस्ते में डाल लो। ऑप्शन ए में जो है हमारी त्रुटि थी। अगला है जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर, क्या होती है एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तो वाक्य का वाच्य क्या होता है। तो ऐसे वाक्य का जो वाच्य होता है फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिएगा भाव वाच्य होता है। बस एक ध्यान रखिएगा जब एक वचन और अन्य पुरुष हो तो हमेशा हमेशा वहां पे क्या होता है भाववाच्य होता है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे खाया नहीं जा रहा, राम से लिखा नहीं जा रहा, तो वहां पे हमेशा अन्य पुरुष का ही बोध होता है। दशरथ के पुत्र राम ने
रावण कुमारा इस वाक्य में कौन सा पद है कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो जिसमें कारक नहीं लग सकता, तो राम, रावण, दशरथ या पुत्र। तो दशरथ जो है, यहां दशरथ के साथ हम लोग कारक शब्द का उपयोग बहुत जल्दी नहीं कर सकते। अगला है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा। पहले बात तो अपादान क्या होता है, अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो से विभक्ति लगी हो। फिर क्या कह रहे हैं कि बहुवचन भी हो, चलिए भैया मुझसे, हमसे, मुझको या हमको, तो मुझसे हो गया सिंगुलर एक वचन, तो यहां क्या हो जाएगा, हम से। ठीक है, समझ गया ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर है। इनमें से कौन सा एक शब्द पुरलिंग नहीं है, अगर पुरलिंग नहीं होगा तो वो कौन सा लिंग होगा, तो बच्चा होगा स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग लिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छी शब्द लगा लीजिए या फिर उसका आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए। अच्छी बनावट, अच्छा छाता, अच्छा सूर्य, अच्छा अमरूद, तो पहला ही क्या हो गया, अच्छी बनावट, अच्छी लिखावट, ये सभी क्या है, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। अगला है, बाप्रण, बाप्रण, बाप्रण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ब्रह्मी, ब्राह्मी, ब्राप्रणी या ब्राह्मणी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्राप्रणी। नेक्स्ट है, छात्र स्कूल गए थे वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। फ्रेंड देखिए, मैंने लगातार आपको 43 क्वेश्चन करा दिए और आपसे सिर्फ एक बार कहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, छात्र स्कूल गए थे, तो जब छात्र स्कूल पहुंच गए तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, किसी प्रकार का इसमें सामान्य संदिग्ध अपूर्ण की कोई बात है ही नहीं। अगला है, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाण वाचक, विशेषण गुणवाचक या सार्वमानी। अधिक केले खा लिए, कितने खा लिए नहीं पता, परिमाण तो पता है, परिमाण तो पता है लेकिन कितना है नहीं पता, यही कहता मैं, आज मैंने 2 केले खा लिए तो संख्यावाचक, आज मैंने मीठे केले खा लिए तो गुणवाचक, ठीक, आज राम ने केले खा, राम के केले खा लिए तो सार्वनामिक, समझ गए। लेकिन यहाँ पे अधिक शब्द लगा है, अधिक की मात्रा हमको नहीं पता कि कितना अधिक हमने खाया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न विकल्प में से सही शब्द चुनिए, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण या पुनर्जागरण। ध्यान रखिएगा, जब रा की रेफ मात्रा जो होती है वो हमेशा जहां पे साउंड आता है उसके आगे ही लगती है, तो आप बोल के देख लिए, पुनर क्या होता है, पुनर जागरण, तो अब जो जाल मात्रा जाएगी वो रा पे जाएगी, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे इसको तोड़ के देख सकते हैं, जैसे एक हम लोग शब्द लिखते हैं ना फ्रेंड अपना आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में जो है वो वापे जाती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है, संताली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, बारोपी भाषा, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा या चीनी तिब्बती भाषा, तो ध्यान रखिएगा, बारोपी हिंदी, हिंदी जो है वो बारोपी भाषा संबंधित है, मलयालम हो गया आपका, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गई, ये सब आपका द्रविड़ से है, संथाली हो गया आपका, ठीक, संथाल भाषा ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है, डोंगरी जो है, डोंगरी, डोंगरी जो है ये आपका चीनी तिब्बत से संबंधित है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, कन्नौजी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, ब्रज हो गई या फिर आपकी खड़ी बोली हो गई, तो इसमें जो आपकी छत्तीसगढ़ी जो है ये आपका जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आगे है, टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो ये होता है फ्रेंड आपका प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा टेस्टिमोनियल। बढ़ गए हम लोग अपने 50वें क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेंट ऑफ आस्किंग आर रिक्वेस्ट, यानी एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है, ऐसे आपको चेंज इन आपका हिंदी आएगा ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। फ्रेंड ये हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी से डिस्कस किया है, मैंने थोड़ा आपको कम डिटेलिंग इसलिए किया क्योंकि अब आप लोग रिवीजन कर रहे हो, बस इसको 2x मोड पे लगाइए और बड़ा बड़ा इसको देख डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग दम के पढ़ाई करते रहिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद।